गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर वर्क वेरी गुड. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर क्लासेस, योगा क्लास, डांस क्लास, ऑल सब्जेक्टिव क्लास. यस, ओके स्टूडेंट्स, आपका आज आपने अपना थॉट देखा, समझा? क्या समझ आया आपको उस थॉट से? इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग. इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग. अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप अपने गोल को, अपना जो एम है, आपको उस पर कंसंट्रेट करना है, उसको पकड़ के रखना है. आपको ना लोगों की तरफ ध्यान देना है, ना चीजों की तरफ ध्यान देना है. आपको सिर्फ अपने गोल की साइड ध्यान देना है कि हमें जो है उस गोल को, जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें उन्हें बीट करना है, उनको कंप्लीट करना है और अपने काम को बहुत अच्छे से करना है. हमें अपने गोल तक पहुंचना है. जो हमने दिमाग में सोचा है, जो समझा है, हमें उसे करके ही रहना है. हमें किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं है और हमें अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर जीके बुक, पेंसिल एंड इरेजर. ओके, टेक आउट योर जीके बुक एंड पेज नंबर, दिस वन, पेज नंबर 29. राइट डाउन द डेट एंड डे. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 3rd ऑफ सेप्टेम्बर 2020. एंड व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज थर्सडे. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया. नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल लीडर्स. ओके, नाउ पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन. हेल्प नोई टू आइडेंटिफाई दीज फेमस नेशनल लीडर्स बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस. चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प नोई टू आइडेंटिफाई दीज फेमस नेशनल लीडर्स बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस. चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ये जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, किसकी हेल्प करनी है हमें? नोई की हेल्प करनी है. क्या पहचानने में? आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करने है? ये जो हमारे पास नेशनल लीडर्स हैं, जो जिनकी पिक्चर्स हमारे सामने है, हमारे पास उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, बट हमें ये नहीं पता कि कौन से लीडर का नाम क्या है. तो इस हेल्पिंग बॉक्स में से हमें क्या करना है? सही जगह, सही ऑप्शन को फिल करना है. और ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? नोई की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे? इन नेशनल लीडर्स को पहचानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. आप सब लोग जानते हैं विच पिक्चर इज दिस. किसकी पिक्चर है ये? यस, यू ऑल नोज. किसकी पिक्चर है? जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल, स्टूडेंट्स, डू यू नो जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज पंडित नेहरू. वाइल इंडियन चिल्ड्रन न्यू एज चाचा नेहरू. वाइल इंडियन चिल्ड्रन न्यू हेम एज चाचा नेहरू. क्या बोलते हैं बच्चे इन्हें? चाचा नेहरू बोलते हैं. ओके, और चाचा नेहरू को क्या बहुत ज्यादा लाइक करते थे? किसको बहुत ज्यादा लाइक करते थे? वो चिल्ड्रंस को,
रोज को, उन्हें रोज बहुत पसंद थे। क्या बहुत पसंद थे? रोज बहुत पसंद थे। और चाचा नेहरू को और कौन पसंद थे? बच्चे। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उन्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। सो स्टूडेंट्स, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। किसकी पिक्चर है ये? जवाहरलाल नेहरू की। तो हम फर्स्ट में क्या भरेंगे? ऑप्शन ए। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर टू। हूज पिक्चर इज दिस स्टूडेंट? दिस इज द पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। किसकी पिक्चर है ये? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। ओके, सुभाष चंद्र बोस वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। ही वॉज आर फ्रीडम फाइटर। कौन थे वो? फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए फाइट की थी, संघर्ष किया था। ओके, ही वॉज द 9th इन द फैमिली ऑफ 14 चिल्ड्रन। उनकी फैमिली में कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। और 14 बच्चों में वो कौन से नंबर के थे? वो 9th नंबर के। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। एंड लुक एट द हेल्पिंग बॉक्स, कहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस जी का नाम? सुभाष चंद्र बोस नंबर क्या है ये? कौन सा अल्फाबेट है? ई। तो हम सेकंड पे क्या भरेंगे? ई, ई फॉर एलिफेंट। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ थर्ड वन। हूज पिक्चर इज दिस? बच्चों, स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ सरदार पटेल एंड हिज फुल नेम इज वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन। डू यू नो ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन? ही वॉज बॉर्न 31st October 1875 एंड डाई ऑन 15 December 1950। कब पैदा हुए थे वो? कब? 31st October 1875 को। और उनकी डेथ कब हुई थी? 15 December 1950। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्हें और क्या बोलते हैं हम? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चला हूज पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ सरदार पटेल। ओके, कहां पर लिखा सरदार पटेल? हेयर इज सरदार पटेल, एच। तो थर्ड वन में हम क्या भरेंगे? एच। ओके, नाउ फोर्थ वन, लुक एट दिस पिक्चर। हूज पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। किसकी पिक्चर है बच्चों ये? दिस इज द पिक्चर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज बॉर्न एज केशव गंगाधर तिलक। किस किस नाम से ये पैदा हुए थे? ये हुए थे केशव गंगाधर तिलक। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। इनका जो बचपन का नाम था वो था केशव गंगाधर तिलक। ओके, एंड ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, टीचर्स एंड इंडिपेंडेंस एक्टिवेटर्स। ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये कौन थे? फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, हूज पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। किसकी पिक्चर है ये? ये पिक्चर है बाल गंगाधर तिलक की। ओके, और कहाँ लिखा है? लुक एट दिस हेल्पिंग बॉक्स, बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है इनका? बाल गंगाधर तिलक। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ बी आर अम्बेडकर। कौन है ये? बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर।
ओके स्टूडेंट्स, भीमराव रामजी अंबेडकर आल्सो नोन एज बाबा साहेब, किस नाम से और जानते हैं हम इन्हें? बाबा साहेब के नाम से. ओके, ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर. ओके, ही वॉज बॉर्न एन 14 अप्रैल 1891. इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने हमारा जो संविधान था वो भी लिखा था. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ भीमराव अंबेडकर. कहाँ पर कहाँ, ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, जी, जी ऑप्शन. तो यहां हम क्या भरेंगे, कौन सा अल्फाबेट भरेंगे? जी. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यू ऑल नोज हूज पिक्चर इज दिस. दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी. किसकी पिक्चर है? आप सब लोगों को पता है ना इस पिक्चर के बारे में? यस, आप सब लोग जानते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज एन इंडियन लॉयर पॉलिटिशियन. कौन थे ये? एक इंडियन लॉयर थे. ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बापू. हम इन्हें कौन से और नाम से जानते हैं? बापू कहते हैं ना गांधी जी को. क्या कहते हैं? बापू. और किस नाम से जानते हैं? बापू के नाम से जानते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात. कहाँ पर पैदा हुए थे ये? गुजरात में हुए थे, पोरबंदर में. एंड जो इनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी? इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी. ओके, सो राइट डाउन हियर अल्फाबेट एफ, महात्मा गांधी. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ एनी बेसेंट. किसकी पिक्चर है ये? एनी बेसेंट की पिक्चर है. एनी बेसेंट वॉज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट. शी वॉज एन ऑथर विथ 300 books एंड pamphlets टू हर credits. ओके स्टूडेंट, सो इट इज द पिक्चर ऑफ एनी बेसेंट. एंड इसमें कौन सा अल्फाबेट आएगा हमारा? सी. कौन सा ऑप्शन है ये? सी. राइट डाउन हियर सी. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ द अब्दुल जफर खान. द अब्दुल जफर खान इज द लीडर ऑफ पठान्स, द मुस्लिम एथनिक ग्रुप ऑफ पाकिस्तान. Who became a follower of Mahatma Gandhi and was called the Frontier Gandhi. क्या बोलते थे इन्हें? Frontier Gandhi. Okay students, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा? D. Write down here D. Okay, now tidbits. Underline all these line. Okay students, now underline. Indians were ruled by the British from 1757 until 1947. By 1920, a large number of people joined the movements started by Mahatma Gandhi and other Indian leaders to resist the British rulers. India became independent in 1947. That means Indians were ruled by the British from 1757 until 1947. जो हमारे इंडिया पर ब्रिटिश सरकार ने राज किया था वो 1757 से लेकर 1947 तक किया था. ओके, कब से कब तक? 1757 to 1947.
By 1920, a large number of people joined to movement started by Mahatma Gandhi and other Indian leaders to resist the British rulers. और 1920 से 1757 में तो उन्होंने राज शुरू किया था और 1947 तक उन्होंने किया था, बट 1920 से इंडिपेंडेंस के लिए बहुत लोग सामने आए, नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने ज्वाइन किया मूवमेंट को, स्टार्ट किया महात्मा गांधी के साथ और अदर्स लीडर्स, और अदर लीडर्स ने, बहुत सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। और इस लड़ाई को कब जीता इंडियंस ने? 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार से आजाद हो गया था और फ्री हो गए थे हम लोग। क्या हो गए थे? फ्रीडम फाइटर की लड़ाई से हम क्या हुआ थे? फ्री हो गए थे हम लोग, इंडिपेंडेंट हो गए थे, आजाद हो गए थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज होमवर्क इज यू ऑल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड रीड केयरफुली दीज लाइन्स। ओके, थैंक यू।